झांसी में एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मंचलों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब महिला डॉक्टर अपने साथियों के साथ पार्टी से वापस लौट रही थी। घटना से नाराज साथी जूनियर डॉक्टर्स ने थाने में शिकायत दी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी महिला डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अब झांसी में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही जूनियर डॉक्टर, जिसमें महिला डॉक्टर भी शामिल थी, इनके साथ रस्ते में कुछ मंचलों ने छेड़खानी की। जब साथी डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। तो हम लोग ये इलाइट चौराहे से क्रॉस करके मेडिकल ग्राउंड में निकल रहे थे, वहीं पे एक काली स्कूटी में एक्टिवा थी, वो बार बार आगे पीछे, पहली बार उन्होंने रोका, इधर देखा, उन्होंने कुछ नहीं कि हो सकता है भाई, क्योंकि चलाते वक्त सब लोग इधर उधर देखते हैं। लेकिन जब तीन चार बार ऐसा हुआ तो हम लोगों ने वहां पे रोका, उन लोगों को रोका, और फिर जब रोका तो थोड़ी उसमें से हम लोगों ने रोका क्या देख रहा है, तो उसमें से एक लड़का काली टी शर्ट पहने था, वो उधर से उठा के पत्थर उठाने चला गया और मारने के किया। तब तक वहां पे कोई बाइक में थे, सादी वर्दी में, मतलब सिविलियन ड्रेस में थे, वो शायद पता नहीं पुलिस थे कि नहीं थे, वो वहां पे रोके, फिर उन्होंने सब कुछ मतलब वो कराया। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं से महिला डॉक्टरों को बचाने के लिए आगरा पुलिस ने महिला सुरक्षा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस महिला अपराध को लेकर संजीदा हो चुकी है। अगर आगरा की बात की जाए तो तमाम ऐसी कार्यशालाएं और जन जागरूकता अभियान महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपनी सुरक्षा करें। आगरा के तमाम जो थाना क्षेत्र है वहां पर जगह जगह इस तरीके के आयोजन किया जा रहा है, और खुद महिला अधिकारी महिलाओं के स्कूल कॉलेज पहुंच रही हैं, छात्राओं के स्कूल कॉलेज पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से वो अपना बचाव करें। इस अभियान के तहत स्कूल, कोचिंग और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं को यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस पाठशाला लगाकर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की लड़कियों को फिजिकल वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाने और खुलकर बात करने का तरीका सिखा रही है। साथ ही पुलिस ने भयमुक्त माहौल और अपराधियों के प्रति सख्त एक्शन लेने की बात कही। सीएम साहब के निर्देशन और सीपी साहब के लिए जो व्यापक अभियान चला है महिला सशक्तिकरण का, जनसंपर्क अभियान जगह जगह सारे कॉलेजेस चौकियों पर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में हम महिलाओं से, बच्चियों से जाके संपर्क कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, और बड़े बड़े सेमिनार्स रखे जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, गेस्ट हाउसेस में, जहाँ पे व्यापक स्तर पे काफी ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स है वो लोग भी आ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। कोलकाता की घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर महिला अपराध को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट है। आगरा में इस अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई महिलाओं से भी संवाद किया जा रहा है। आज जग शांति फाउंडेशन और आगरा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जन संपर्क अभियान के तहत हमारे द्वारा मतलब पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां महिला सुरक्षा में महिला की सहभागिता इस विषय पर गोष्ठी आयोजित की जा रही है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक संवेदनशील मुद्दा है, इसको सभी तक पहुंचाना, पुरुष महिलाओं दोनों को इसमें शामिल करना और इसके प्रति जागरूक करके इस चीज को कम से कम अपराधों को हम किस तरह घटा सकते हैं, ये थाना हरि पर्वत की इस मुहिम में मैं उनके साथ हूँ। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को बुलाकर आत्मरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं, ताकि इस तरीके की अगर कोई घटना उनके साथ हो तो खुद को कैसे बचाया जा सके। मैं ये कहना चाहूंगी कि और भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, आपको क्या पता किसका रेप अभी इस वक्त हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, एंड पुलिस कहाँ कहाँ तक हेल्प कर सकती है। तो थोड़ा बच्चों को, घर से लड़कों को भी तो एजुकेट करें ना बचपन से, कि छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं उन्हें भी समझाएं। हमें तो हम लड़कियों को तो सब किसी से भी पूछ ले, सबको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे आना है घर पे। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन जब लड़कों की बात होती है कोई नहीं बोलता। आधे से ज्यादा हमारा जो है फाइट गवर्नमेंट की तरफ नहीं है, लॉस की तरफ है। कुल मिलाकर अबला से सबला बनने की कहानी जो है वो इस पाठशाला में सिखाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन के इस जन जागरूकता अभियान का कितना असर जो है वो महिला अपराध पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद